फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो क्लिप में नग्न अवस्था में नजर आ रहा यह शख्स मुंबई के गोंडी के बोरला गांव का रहने वाला है। 45 साल का यह शख्स पेशे से ढोलकी वादक है। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है, इसने मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित सुमारास राज पंजाब बार के अंदर का फुटेज अपने मोबाइल से शूट किया। इस वीडियो में बार बालाएं अश्लील डांस कर रही थीं, ऐसा आरोप वीडियो शूट करने वाले शख्स का है। पर जब बार मालिक ने उसे वीडियो शूट करते हुए देखा तो अपने एक वेटर के साथ उसकी जमकर पिटाई कर दी और नंगा करके उसका वीडियो भी शूट किया। ये वीडियो इंटरनेट पर अब वायरल हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चेंबूर के DCP ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस ने फिर शरद उत्तम राजगुरु नाम के इस शख्स को ढूंढ निकाला और उस वीडियो के बारे में पूछताछ की। राजगुरु ने फिर पुलिस को सारी कहानी बयां कर दी कि किस तरीके से बार मालिक की दादागिरी का वो शिकार हुआ। दरअसल शरद उत्तम राजगुरु 16 फरवरी की शाम शराब पीने के लिए चेंबूर स्थित पंजाब बार गया, जहां उसने शराब पी। लेकिन इस दौरान उसे एहसास हुआ कि बार में कुछ गलत चल रहा है, तो उसने अपने मोबाइल से बार के अंदर का वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करते हुए जब बार मालिक ने उसे देखा तो पहले उससे मोबाइल छीना और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। नशे की हालत में उस शाम शरद वहां से चला तो गया, लेकिन दूसरे दिन फिर से मोबाइल मांगने के लिए वो बार मालिक के पास आया। दूसरे दिन बार मालिक ने उसे नंगा करके उसका वीडियो निकाला। गलती से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बात DCP के कानों तक पहुंची। DCP ने पुलिस अधिकारियों को इस बारे में तुरंत एक्शन लेने को कहा। इसके बाद पुलिस ने 20 फरवरी बुधवार को IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और इसके बाद बार चालक सुखदेव पाटिल, मैनेजर जगदीश शेट्टी और वेटर अब्दुल अजीज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस दिशा में आगे की जांच में जुट गई है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।